ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, मेंटेन है ये स्टेशन और यात्री हैं थोड़े कम आते हैं। अच्छी हवा चल रही है और देखिए पीछे का व्यू और इस साइड भी। सत्रीकाल जी, बॉबी सिंह हेयर और आज हम थोड़ा जा रहे हैं आपको कुछ दिखाने के लिए इसी विलेज में, गोनियाने में। एक इनका यहाँ पे एक ट्रेन स्टेशन है, आज थोड़ा उसकी आपको शेयर करा देंगे। और एक गुरुद्वारा है जिसको देखने का बड़ा मन था, बहुत ही अच्छा है, और वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो दोस्तों आ चुके हैं हम ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल सामने, अंदर आ गए थे। ये रहा, ये उसका नाम है। और ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो चलिए थोड़ा अंदर से दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये यहाँ पर व्हील चेयर्स की सुविधाएं हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ये टिकट काउंटर है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कोई इंतज़ार कर रहा है टिकट लेने के लिए। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं कहीं भी जाने के लिए। और ये ऊपर लिखा हुआ है कब एसी बुकिंग खुलती है, कब नॉन एसी की बुकिंग होनी चालू होती है। और ये है उसी दीवार पर ये कुछ चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे सारे फेयर्स लिखे हुए हैं जगह के, किस जगह पे जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे आपके। और उसके बाद आगे सामने इस गेट से गुजरते हुए आपको रेल की पटरियां दिखाई देंगी। और लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे एक ये ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पर अगर आपको रेल के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी तरह की तो आप यहाँ से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस तरफ ये देखिए आप, कुछ बेंचेस लगे हुए हैं यात्रियों की सुविधा के लिए, वो वहाँ पर बैठ कर ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ लोग। और ये ट्रेन स्टेशन के अंदर से अगर उसकी बिल्डिंग को आप देखेंगे तो कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है, सिचुएशन काफ़ी बढ़िया है इस बिल्डिंग की। इस तरफ स्टेशन के आप देख पा रहे होंगे टैप वाटर की जो सुविधा है यहाँ पर दी गई है, आप किसी भी टाइम यहाँ पर आकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ये टोटली फ्री है और पानी मैंने यहाँ पे पिया था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो पानी यहाँ पे आता है। और इस तरफ ये देख पा रहे हैं आप, कुछ डस्टबिन्स पड़े हुए हैं और बेंचेस लगे हुए हैं, यहाँ पर आप आकर बैठ सकते हैं, यात्री है वो यहाँ पर वेट कर सकते हैं। देखा आपने, ये था इस स्टेशन का पूरा हिसाब किताब। काफ़ी वेल मेंटेन है ये स्टेशन और यात्री हैं थोड़े कम आते हैं। वैसे पंजाब के और बाहर से हर जगह से ट्रेन यहाँ से होकर गुजरती है, तो एक ही बहुत ही अहम स्टेशन पड़ जाता है ये। और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही, एक तरह से मान लीजिए, बहुत ही अच्छी ये एक सर्विस है अगर कहीं उनको जाना हो, और बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं।
इस समय हम उस फ्लाईओवर के ऊपर आ चुके हैं जो इन ट्रेन की पटरियों के ऊपर बना हुआ है, इस साइड से उस साइड जाने के लिए। तो अच्छी हवा चल रही है और देखिए पीछे का व्यू और इस साइड भी। खैर मज़ा आ रहा है, अच्छा है, वेल मेंटेन रखा हुआ है इन्होंने इस स्टेशन को, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा हमें। स्टेशन पे यहाँ पे कुछ इस तरह के डस्टबिन्स लगाए हुए हैं लोगों के लिए, ताकि यहाँ पर जो गंदगी है वो इतनी ज़्यादा ना फैले, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि लोग इनको यूज़ भी कर रहे हैं, वो यहाँ वहाँ कचरा फेंकने की बजाय इसी को ही यूज़ करते हैं कचरा फेंकने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया है। और अब ट्रेन स्टेशन से निकलकर हम सीधा यहाँ पर गुरुद्वारा में आ चुके हैं, अब देख रहे हैं उसकी बिल्डिंग के बिल्कुल पास में हैं हम, ये ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल पास में ही पड़ता है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं गुरुद्वारा के और दिखाते हैं आपको इसकी खूबसूरत बिल्डिंग। तो अब जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये ऊपर को जो जा रही है, ये वैसे इस गुरुद्वारा की पुरानी बिल्डिंग है, साथ में उसके ये लंगर हाल बना हुआ है और इस तरफ ये नई बिल्डिंग है जो अब तैयार हुई हुई बनकर। और जो ये गेट है इसके अंदर एक लिफ्ट लगी है जिससे अगर कोई चलकर नहीं जा सकता तो उस लिफ्ट को यूज़ कर सकता है ऊपर जाने के लिए। और अभी हम इस नई बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए हैं जिनमें आप आकर रह सकते हैं। और जो इस ये बिल्डिंग है यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया हुआ है, तो चलिए अंदर चलते हैं। हम गुरुद्वारा से बाहर आ गए हैं
खैर इस टाइम मैं रोड पे खड़ा हूँ, तो अच्छा था देख लिया हमने, बहुत ही बढ़िया था, आपने भी देखा है वीडियोज़ में। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, तो आपको मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी नई जगह के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा अपना।